सबसे पहले आप स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपका चल रहा है, जिससे आप जान रहे हो कि मैं आपके गुप्ता सर, मैं मैथ पढ़ा रहा था। मैथ जो है सुपर टेट के सारे सिलेबस मैंने कवर कर दिया, साथ साथ आपकी ज्योग्राफी मैंने बताया कि आपको, मैंने अगले मंथ में 10-15 दिन पहले मैंने बताया था कि आपकी ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊँगा। तो इंडियन ज्योग्राफी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और कल की क्लास मतलब इसके पहले वाली क्लास में, कल क्लास नहीं चली थी, इसके पहले वाली क्लास में तो हम आपको ज्योग्राफी क्लास मैंने दिया था कि डेमो के रूप में कैसी क्लास लगी। मैं एक एक पार्ट को जो है इतिहास से उठा के आपको, मतलब ज्योग्राफी भी जित कहाँ से रिलेटिव है, एक एक गुप्ता सर जहाँ पढ़ा रहे हैं, एक एक गुप्ता सर जिस भाग को छोड़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब वो तो पूरा पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ ज्योग्राफी के भाग हैं यहाँ से मैं शुरू करा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है इस दोनों तरफ एक बगल एक एक गुप्ता सर की तरफ मेरा चलेगा, क्योंकि जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इतना ही अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे, इतना ही अच्छे आप पढ़ेंगे, इतना आपको याद रहेगा। क्योंकि सबसे सबसे बड़ी चैलेंजेज होती है जीएस जीके जीके में कि याद करना, कि याद नहीं होता इस तरीके। हमें इस तरीके आपको पढ़ाना कि आपके दिमाग में एक समझ लीजिए कि बैठ जाना है, दिमाग एक प्रकार की एक चित्र तरफ आपको दिमाग बैठाना है, कि एक मैपिंग की तरफ बैठाना है कि आपके दिमाग में बैठे, और आप इस चीज़ को कभी भी भूले नहीं, किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर मैथ में पढ़ाया हूँ आपको तो किसी टीचर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार पढ़ के देखिए, तब बताइएगा सर क्लास कैसी लगी। और आज आपका जो है, मैं पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में जो है फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ाया था भारत का सामान्य परिचय और जानकारी। तो मैंने भारत के धीरे धीरे जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है नाम कैसे पढ़े हैं, सारी चीज़ें मतलब क्षेत्रफल कितने हैं, और भारत जो है अभी भारत की स्थिति बताना है, और आपको भारत के जलीय सीमा स्थलीय सीमा के बारे में, और इसके बाद भारत की स्थिति, भारत किस ग्लोब में, किस मतलब दक्षिणी ध्रुव में है कि उत्तरी ध्रुव में है, किस तरीके है, कि नॉर्थ में है, साउथ में है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आज के दिन में आपका आज जो है 21 जून बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो है योग दिवस, जो योग दिवस आपका योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में जो है अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया, पहली बार इतना अच्छे से मतलब एक विश्व लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल मनाया गया। और इस योग दिवस का एक थीम है कि जो है आप योग कीजिए और स्वस्थ रहिए, और एक संदेश दीजिए कि मतलब कि एक देखा जाए कि भारत की एक कल्चर मतलब संस्कृति से जुड़ी मतलब एक इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपके रेगुलर, और एक मैं बता दूँ योग का, अगर आप योग कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और आत्मा, और आत्मा जुड़िए 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 आप सब उसको जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम लोग कहाँ थे, हाँ योग जो है मन और शरीर आत्मा कि एक एकता और मतलब सक्षम मतलब ये बनाता है कि हमारे आत्मा और शरीर और मन को जो है जो स्थिर करता है और एक एकाग्रता बनाता है, और हम किसी काम को करते हैं शीघ्रता कर ले जाते हैं। इसलिए आपको योग जरूरी है, और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 21 जून 2015 में, और इस चीज़ को आप देखिएगा क्योंकि ये पहली बार हुआ था इतना अच्छे विश्व लेवल में करना। और बेहतर आप योग कीजिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और मैं सीधे चलता हूँ टॉपिक पे, भारत के जलीय और स्थलीय सीमा, भारत का सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य। पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो है भारत में भारत की असली सीमा कितना लगता है, भारत की मुख्य भूमि जली सीमा कितना लगता है, भारत की जो है कुल जली सीमा कितना लगता है, इस तरीके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, देखिए भारत की असली सीमा, भारत की असली सीमा यही है, भारत की असली सीमा। तो भारत की असली सीमा लगता है 15,200 किलोमीटर आप याद नहीं होगा तो
तो आप कई बार वीडियो देखिएगा और कई बार देखिएगा और उसको नोट कीजिएगा। अगर इस तरीके आता है कि भारत की असली सीमा यही लगता है, देखिए मैंने बनाया है इस तरीके है, भारत की असली सीमा जो आपको 15,200 किलोमीटर है। फिर आ गया आपका भारत का मुख्य भूमि जली सीमा जो है भारत के, जो देखिए जली सीमा गुजरात से लेकर यहाँ बांग्लादेश तक या पश्चिम बंगाल तक, आपका भारत के जो है मुख्य जली सीमा जो है 6100 किलोमीटर होता है, 6100 किलोमीटर होता है। आप इस चीज़ को याद कीजिए, बार बार तीन चार बार दोहराइएगा, 15,200 असली सीमा किलोमीटर और भारत के मुख्य भूमि की जली सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की जली सीमा देखिए यही है, जली सीमा यही है, लंबाई 6100 किलोमीटर और भारत की कुल जली सीमा कहने के मतलब भारत की कुल जली सीमा, ये तो मुख्य जली सीमा हो गई। और इसके साथ साथ हमारे जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इसके साथ यहाँ पे अंडमान निकोबार मैं आगे समझाऊंगा बताऊंगा, लेकिन आप समझे कि यहाँ पे होता है। इसके साथ ये सब लेते हुए यहाँ पे हमारा मुख्य भूमि 6100 प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर हमारा 7516 किलोमीटर है लंबाई। इतना जाने हम लोग। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं सीधे भारत की सबसे बड़ी जली सीमा जो है, राज्य हमारे जो है भारत के जो है सबसे बड़ी जली सीमा किससे लगता है, किस राज्य से लगता है, तो गुजरात है तो सबसे बड़ी जली सीमा लगता है। भारत के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थली सीमा लगती है, मतलब भारत के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थली सीमा लगती है, किससे लगती है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश देखिए यहाँ पे है, इसलिए मैंने मैप बनाया है, मैप को थोड़े को समझाएंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। और अगर कह दिया भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनका जली सीमा लगता है, देखिए भारत में जो 9 राज्य है और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिनका जो है 9 राज्य लगता है, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य जो है जिनका जली सीमा बनता है, मतलब कहने का मतलब भारत में देखिए यहाँ से नौ राज्य है और इसी तरीके जो है यहाँ पे चला गया और हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी मैंने नोट कराया है, देखिए मैंने लिखवाया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब 9 है गुजरात, महाराष्ट्र, आप कई बार दोहराइए मेरे साथ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस चीज़ को बार बार अगर हमारे साथ आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा और नोटबुक में इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि क्रम पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। और सबसे बड़ा गुजरात हो गया और जैसे भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थली सीमा तो बांग्लादेश है, सबसे बड़ी स्थली सीमा बांग्लादेश है। और पूछ लिया भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जली सीमा है, कहने का मतलब जो है राज्य ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 होते हैं, 4 ये भी मिलते हैं जली सीमा से, अंडमान निकोबार जो मैंने बताया है, लक्षद्वीप, पुंडुचेरी, दमन और दीव, 4। इसको याद कीजिएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुंडुचेरी, दमन और दीव। अब इस चीज़ को यहाँ आप समझिए और पूछ लिया भारत के पड़ोसी देश तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, केरल। पाकिस्तान यहाँ होता है, अफगानिस्तान, चीन, केरल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल,
भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरीके आप दोहराइएगा मेरे साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जब मेरे साथ आप दोहराएंगे, क्रम करेंगे, तीन चार बार करेंगे तो आपको रट उठेगा और मैपिंग के थ्रू जो है बैठ जाएगा, तो आपको कहीं याद नहीं करना है, बार बार पढ़ना नहीं, कहने का मतलब आपको यही समझ में। फिर हम एक बार जाते हैं पीछे, अगर पूछ लिया भारत की असली सीमा कितना लगते हैं तो 15,200, भारत के मुख्य जली सीमा कितने लगते हैं 6,100, भारत के कुल जली सीमा कितने लगते हैं 7,516.6 किलोमीटर, और पूछ लिया मतलब इसमें कौन कौन होते हैं मुख्य भूमि 6,100, अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, मिलाकर टोटल जो है 7,516.6 किलोमीटर। फिर आ जाइए पीछे, फिर हम आपको दोहरा रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी जली सीमा राज्य गुजरात, भारत के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थली सीमा लगती है बांग्लादेश, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश जिनका जली सीमा लगता है, राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब केंद्र शासित प्रदेश आ जाइए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, इस चीज़ का हो गया। अब आगे देखिएगा, मैं क्रिस कर रहा हूँ और आगे मैं बता रहा हूँ कि भारत की स्थिति और विस्तार, हम भारत के बारे में जान गए, इनके पड़ोसी देश जान गए, पड़ोसी देश क्या, अभी पड़ोसी देश तो अस्थली पड़ गई, अस्थली इसमें देखिए पड़ोसी देश अस्थली, बांग्लादेश और म्यांमार, पाकिस्तान जो है कॉमन है, और अभी जो है दो जली 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 भी हैं जो श्रीलंका हो गई, और इस तरीके है, अभी मैं बताऊंगा आगे, बस आप लगे रहिए। अभी जिस तरीके मैं बता रहा हूँ इस क्रम से लगाते जाइए, मैं जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि वहाँ बताना इस तरीके वहाँ बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और सब नोट कीजिएगा आप। सब लोग आ जाइए। और एक चीज़ मैं भूल गया, अब ज्योग्राफी क्लास में बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ा सा नोट कीजिएगा, इसमें नहीं भूले हैं टॉपिक आज 21 जून के बारे में बताएंगे अभी, क्योंकि 21 जून जो है योग दिवस है, साथ साथ हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध मतलब कहने का मतलब जिसमें जो है हमारा देश या हम लोग रहते हैं, तो उनका सबसे ग्रीष्मकाल में जो है सबसे ग्रीष्मकाल के सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो आज 21 जून है, इसको भी जानिए। अभी मैं आगे बताऊंगा सारे चीज़ें आगे से ले, मतलब बताएंगे किस तरीके कैसे है किस तरीके बताएं, लेकिन आपको क्रम से बताएं, क्योंकि बीच बीच में बताएंगे। तो आज योग दिवस था, मैंने बता दिया कि आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 मनाया गया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाया गया। इसके साथ फिर आप योग कीजिए, आत्मा और ध्यान शरीर इस चीज़ को एक एकाग्र करता है और एक कार्य करे को क्षमता को विकास करता है, इस चीज़ को कीजिए। और साथ में फिर मैंने बताया कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इतना याद कीजिए। फिर हम लोग आते हैं सीधे, हमारा पृथ्वी एक संतरे की तरह कहा जाता है गोल है, संतरे की तरह गोल है, शेप की तरह गोल है, तो पृथ्वी में और 23.5 डिग्री झुका भी है, 23.5 डिग्री झुका भी है। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, सारे टाइम जोन बताऊंगा और हर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको समझाना, और किस तरीके समझाना, हमारा लक्ष्य आपको बताना, और किस तरीके बताना कि आपको बेहतर तरीके से आए। जो अक्षांश, जो रेखा पृथ्वी पे काल्पनिक रूप से खींची हुई रेखा, उसे अक्षांश कहते हैं। कहने के मतलब जो इस तरह की खींची हुई कुछ जो है रेखा है, इसे अक्षांश कहते हैं। जो सीधे खींची हुई रेखा होती है उसे देशांतर कहते हैं।
अक्षांश जीरो डिग्री देशांतर को हम लोग जानते हैं, जीरो डिग्री अक्षांश को हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, क्योंकि इस चीज़ को आप पढ़े होंगे बचपन में, हर क्योंकि बचपन से ही क्लास फाइव क्लास से जो है सिलेबस में आ जाता है थोड़ा मोड़ा कि विषुवत रेखा कौन है, विषुवत रेखा के आसपास रहने वाले क्या होते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको बताने के लिए कि हमें आपके दिमाग बैठाना है, बस मेरे साथ कंटिन्यू, और मैं जिस तरीके बोलता हूँ उस तरीके आप बोलते जाइए। कहने का मतलब जीरो डिग्री अक्षांश जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है और भूमध्य रेखा के नाम, मैंने देखिए लिखा नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से। इसके बाद ये हमारी उत्तरी गोलार्ध ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसके बाद ये होगी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा कहने का मतलब हमें बताना है, अभी देखिए मुझे विश्व का भूगोल नहीं पढ़ा रहा, मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, तो भारत की स्थिति क्या है मैं बताऊँगा, भारत हमारा कहाँ बसा है और किस तरीके है मैं बताऊँगा, बस आप बने रहिए। और जब जिस दिन लगेगा हमको विश्व को पढ़ाना तो विश्व को भी पढ़ाऊँगा, लेकिन आप भारत को पढ़िए। इसलिए आप इस पे जाएंगे, देखिए नॉर्थ में लिखा हूँ साउथ लिखा हूँ, क्योंकि इस गोलार्ध जो बीचे बीच खींची हुई रेखा है, खींची काल्पनिक रेखा है, इसे खींची नहीं हुई काल्पनिक रेखा है, बीचे हुई खींची हुई रेखा है जो जीरो जीरो अक्षांश, जिसको विषुवत और भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके नॉर्थ में मतलब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, और अगर इधर आ जाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो है 23.5 डिग्री फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। हम क्या बताएं, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को एक दक्षिणी गोलार्ध में, इसी में आज के दिन योग दिवस के दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो है ग्रीष्मकाल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है भी माना जाता है, होता भी है। तो हमारा भारत की स्थिति क्या है, हमारी भारत की लगभग इस तरीके भारत के बीचों बीच कर्क रेखा साढ़े, देखिए हम उत्तरी जो है नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा के नाम जाते हैं। तो हमारा भारत जो है भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, लगभग बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर मैं बताऊंगा कर्क रेखा किस कितने कितने राज्य से गुजरेगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, लगभग गुजरते थे। हम कहने का मतलब हमारा भारत किस पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए 23.5 डिग्री कहने का मतलब, और इधर देखिए इधर जो है इधर पूर्वी होगा उधर पश्चिमी होगा, कहने का मतलब हमारा भारत पूर्वी और दक्षिणी के गोलार्ध में बसा है या है 23.5 डिग्री लगभग कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती है। आप सीधे आते हैं फिर यहाँ बनाइएगा, जो मैंने बताया कि ये रेखा इसे हम प्रधान मायोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता, इसे हम ग्रीन बिच भी कहते हैं, GMT ग्रीन बिच टी, जो हमारे वर्ल्ड का मानक समय रेखा होती है, मानक समय रेखा भारत का नहीं मानक समय रेखा होती है वर्ल्ड का, यहीं से निर्धारित होती है समय की, जो हमारे समय को बताता है यहीं से समय निर्धारित होती है, GMT ग्रीनविच रेखा जो है रेखा मानक समय रेखा इस तरीके होता है, और इसे प्रधान मायोत्तर रेखा कहते हैं। जैसे अगर अब देखा जाए क्वेश्चन आता है इस तरीके कि जो है लंदन से भारत की जो है कितना समय आगे है कि पीछे है, या जो है आगे है पीछे, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे है पीछे है। लेकिन आप जानिए हमारा सूरज निकलता है हमारे पूरब में हमारा सूरज निकलता है पूरब में
तो कहने का मतलब पूरब में और सीधे जो है विषुवत रेखा पे सीधे सीधे चमकता है, विषुवत रेखा पे सीधे सीधे चमकता है, तभी विषुवत रेखा में जो है बहुत ही गर्मी होती है। और कहने का मतलब जब पूर्व से निकलता है हमारा जो है, तो कहने का मतलब यहाँ सूर्य पहले निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हमारा हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी और लंदन लंदन का लंदन जो है जीएमटी पे पड़ता है, जीएमटी पड़ता है। तो जब जब भी टाइम जोन देखा जाएगा तो लंदन से इस क्षेत्र में पहले सूर्य की रोशनी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पहले सूर्य की रोशनी यहीं पहुँचेगा। इसलिए हमारे कहा जाता है, हमारा कहा जाता है कि लंदन से लगभग 5.5 घंटे जो है, 5.5 घंटे जो है सबसे पहले हमारा टाइम जोन होता है, इसलिए होता है। और इस बाद वाले में जो है, इस बाद वाले में पीछे कहेंगे, इसे आगे कहेंगे, इसे पीछे कहेंगे, इसे आगे कहेंगे, इसे पीछे कहेंगे, या हाँ आगे इसे पीछे कहेंगे। तो आप समझिए, इसके बाद आप यहाँ समझ गए, समझाने का पर्पज यही था कि आपको, हाँ अब इस तरीके जो रेखा खींची जाती है हम इसे देशांतर के रूप में मानते हैं, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा होती है। अब इधर जो रेखा खींची जाती है देशांतर रेखा कहते हैं, तो हम जो इसे मानते हैं, इसे आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सब मैप बनाइएगा और सब कीजिएगा, क्योंकि मैप नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ब्लैक से लिख दो ना, दिख रहा है कम। इसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और इसे मैंने बताया है अक्षांश, इसे मैं आगे बताया है, रेखा के नाम से जाने जाते हैं। आप इस चीज को समझिएगा। और इसके साथ साथ मेरा समझाने का पर्पज यही कि अगर आप समझ गए तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं है, आगे पीछे क्या होता सब जान जाएंगे आप। और देखिए, हाँ एक चीज और देखिए कि हमारा भारत या हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो कितना जो है डिग्री में या अक्षांश देशांतर पे स्थित है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। अभी मैं सारा चीज़ें जो है बताऊंगा आपको, बस समझना है। आप मेरे साथ सब दोहराएं जिस तरीके मैंने बताया कि आपको याद हो जाएगा। यही एक रेखा है जो अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, मैंने बताया किधर अक्षांश रेखा है। और इस तरीके जो है देशांतर रेखा होता है, समझ जाइएगा, इस तरीके जो है देशांतर रेखा होता है। आप मैप बनाइएगा, एक ही मैप मत कीजिएगा, जितना मैं बनवा रहा हूँ उतना बनाइएगा, क्योंकि इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ। कहने का मतलब इधर जो है देशांतर, इधर देशांतर, सॉरी इधर अक्षांश और इधर देशांतर है। तो हमारा जो है सैतीस डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मतलब उत्तरी, क्योंकि उत्तरी में बसा है इसलिए हम नॉर्थ कहते हैं। सैंतीस डिग्री देखिए इधर है ना, इसके बीच में 23 और 66 के बीच में आ रखने, तो 37 होगा, 37 डिग्री नॉर्थ में। इसके बाद इधर दे दिया कितना इधर गया है, तो आप जानिए 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। फिर नीचे देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट, इधर देखिएगा 97 डिग्री
97 डिग्री 25 मिनट। सब नॉर्थ होंगे। आप कन्फ्यूज मत हो गया, कभी कभी पेपर पूछ लेता नॉर्थ साउथ, अगर आपको पता तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ मतलब उत्तरी, आप उत्तरी गोलार्ध में है तो सब नॉर्थ रहे, क्योंकि मेरा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में बसा है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा है। आप यहाँ नोट कीजिएगा, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, यही चीज़ है जो इसमें बताया है, यही आपको बता दे, नोट करवा दे रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी है ना, नॉर्थ है ना, उत्तरी अक्षांश। अब हो गया, कहने के मतलब हम 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी भी रहेगा, मतलब नॉर्थ डिग्री अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर देशांतर पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर कहने का मतलब इधर जो है नॉर्थ, इधर वेस्ट मतलब पश्चिम, इसलिए जो इधर जाएगा, कहने का मतलब देशांतर जो है, मैंने बताया जो ये सब चीज़ें हैं सब देशांतर हैं, या इधर जो है अक्षांश है, कहने का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा जो है अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश लेके उत्तरी अक्षांश तक। अब इधर दे दिया 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है ना, देशांतर के बीच में स्थित है। अभी इसको देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आप नॉर्थ साउथ में बिल्कुल ना, कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपी टेट हो, सी टेट, या कुछ भी टेट के लिए, या रेलवे के लिए, या कुछ भी ऑल एग्ज़ाम के लिए, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, जैसे अगर पूछ लिया कि भारत की स्थिति और विस्तार, जैसे स्थिति में देखना है कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री कर्क रेखा से बीचों बीच गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और पूछ लिया कहाँ से कहाँ तक स्थित है, कितने अक्षांश कितने देशांतर तक स्थित है, तो मैंने दिया है कि भारत के मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्थ भी रहेगा। इसके बाद पूछ लिया, हाँ इसके बाद पूछ लिया 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर आप इसको ई भी बना सकते हैं या ई भी बना सकते हैं क्योंकि नॉर्थ है और पूर्वी दोनों दे, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, आप इस विस्तार मतलब स्थिति देंगे। अब इसको आपको बता रहे हैं किस तरीके याद करना है, आपको याद हो, देखिए अब तो याद होना चाहिए, अगर अभी भी नहीं याद हो रहा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा आप, नोट कीजिएगा 37 है ना, 37 8 इधर दिया है 97 68 97 एक एक प्लस कर देना है, एक एक प्लस कर देना, 3 से 4 7 से 8 एक प्लस करना है, 7 से 6 से 7 8 से 9 आपका याद हो जाएगा। अब इस अंक में जब याद करेंगे आप मैथ के थ्रू अंक से याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन मैं याद कराने के इतना तरीका मैं बताया हूँ, यहाँ भी बताया हूँ और इसके साथ मैं अब तीन तीन तरीके में बताया हूँ कि आपको याद हो जाए, अब इससे बेहतर नहीं हो पाएगा, आप याद कर ले जाएंगे। और आप सीधे आते हैं जो बताए हैं मानक समय, मानक समय भारत का मानक समय, और मैंने बताया कि भारत का मानक समय, नक्शा बिगड़ जाएगा तो फिर बनाना पड़ेगा मैप, इसलिए मैप को सुरक्षित रखना है, जब नेक्स्ट क्लास में फिर नया बनेगा, क्योंकि बहुत परिश्रम से बनता है, पेज पे बनाना आसान है लेकिन बोर्ड पे बनाना बहुत कठिन चीज है, ये से बनाना तो आप बना ले जाओगे क्योंकि आदत पड़ी है, इस पे आदत नहीं बनी है। और सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। अब आ जाते हैं टाइम जोन, मैंने बताया काल्पनिक है, सच में नहीं खींचा गया है, जो लोग नए पढ़ रहे हैं इनको लग रहा है कि आप ऑल एग्जाम के लिए बहुत, ऑल ओवर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके चीज़ें हैं, कंपटीशन ऑल ओवर ईस्ट वेस्ट पूर्वी और पश्चिमी, ये चीज़ें मैं बता दिया हूँ किस तरीके होता है किस तरीके नहीं। अब नेक्स्ट पूछिए, पूछिए जीएमटी ग्रीन ग्रीनिच मध्य रेखा या मध्य समय, मध्य समय जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम, जीएमटी का मतलब होता है, जीएमटी के आधार पर हम समय का आकलन करते हैं, हमारा समय जो है मानक समय, इसमें बताया जिस तरीके अभी पहले कि जीएमटी क्या होता है, प्रधान मायोत्तर रेखा जो है क्या होता है, उससे जो दो भाग में बांटती है पूर्वी और पश्चिमी बांटता है पृथ्वी को, और अक्षांश जो है दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी बांटता है, तो आप समझिए एक देशांतर बराबर बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 देशांतर, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप भागिए मत,
आपको सब समझ में आएगा किस तरीके निकाला जाता है, किस तरीके मानक समय, मैं सब मैथ के थ्रू सब बताऊंगा किस तरीके आप कहीं भी समय निकाल लेंगे आप, बस आपको बस अच्छा डिग्री पता होना चाहिए, बस आपको भागना नहीं है। देशांतर बराबर 60 मिनट होता है। अगर ये एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता तो 15 देशांतर बराबर 60 होगा, क्योंकि 15 चौका 60 होगा, ठीक है। एक देशांतर बराबर हमारा जो है 4 मिनट होता है तो 15 देशांतर बराबर 60 मिनट होता है। और नेक्स्ट नीचे देखिए, इसे मैं आप हटा रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, सब लोग बना लीजिएगा। अब मैपिंग से हम आपको पढ़ाएंगे, याद रहेगा हर चीज़। जैसे भारत का समय, आप इस चीज़ का नोट कीजिएगा कि भारत की जो है, अभी आगे बताएंगे, भारत जो है जो टाइम जोन होता है 82.5 डिग्री होता है, जो इलाहाबाद और नैनी के बीच से गुजरता है, और अभी आगे बताऊंगा, बस आप इसको नोट कीजिएगा किस तरीके निकलेगा, तब मैं आगे बता दूँगा किस किस पे गुजरता है, क्या क्या होता है। चूँकि भारत, चूँकि पृथ्वी एक देशांतर से देशांतर में 4 मिनट घूमती है, तो मैंने बताया तो 15 देशांतर में 60 मिनट घूमेगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि तो एक घंटा में आप अपने शब्दों में कह सकते हैं एक घंटा में 15 देशांतर घूमेगी। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, बस आप बने रहिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जगह लगेगा। आप इस चीज़ को बनाइएगा, मैंने इसके पहले बता भी दिया है, एक एक चीज़ मैं आपको दिमाग बैठाऊंगा। भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा, समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा, मैंने बताया कि भारत का मानक समय, सभी लोग जुड़िए जुड़िए, बिल्कुल बिल्कुल भैया, भारत के इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, अभी इसका नाम बदल गया प्रयागराज, के नैनी के बीच समीप गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत के इतना ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद या प्रयाग राज से के नैनी आप जान रहे हैं, के नैनी के समीप समीप के गुजरने वाली रेखा आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें कहीं कहीं मिलेगा आपको, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद या प्रयागराज के बीच में, ये सटीक चीज़ें हैं, क्योंकि इलाहाबाद और नैनी के बीच में जो समीप, जो नैनी के समीप जो रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, ये बहुत ही अपना टाइम, ये भारत का टाइम जोन है, GMT है, वो विश्व का था, ये भारत का है। अब हम चलेंगे देखेंगे कि भारत की टाइम जोन, उसके मतलब लंदन की जो मायोत्तर रेखा है उससे जो है भारत का टाइम जोन कितना आगे है पीछे, इस चीज़ को जानेंगे। ये चीज़ आप अगर एक बार जान गए तो आपको बार बार पढ़ना नहीं है कि 5.5 घंटा आगे या पीछे, 5.5 घंटा आगे या पीछे, कभी आपको इस तरीके नहीं करना है, बस आपको समझना है क्या करना है। गुजरने वाली 82.5 डिग्री 1/2 नॉर्थ होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो नॉर्थ होगा,
और पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ आप जानिए नॉर्थ होगा। आप इस तरीके कहीं के लिखना इस तरीके भी होता है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चाहे आप 82.5 डिग्री इस तरीके जमा नहीं, चाहे 82.5 डिग्री इस तरीके लिखिए। देशांतर देशांतर स्थल देशांतर के स्थानीय समय भारत के मानक समय को माना जाता है, मतलब स्थानीय देशांतर का स्थानीय समय और भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री माना जाता है। तो भारत की समय 82.5 डिग्री देशांतर है पूर्वी देशांतर। देशांतर मतलब जो इधर रेखा खींची गई है ऐसे 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 करके ना, ये है, और जो ऐसे ऐसे जो है अक्षांश है, लेकिन नॉर्थ में नॉर्थ गुजरात में स्थित है, नॉर्थ हम लिखेंगे। अब अगर दे दिया, मैंने बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री बराबर तो 4 मिनट, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो हमारा जो है भारत 82.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे। एक आप सीधे समझ जाइए, इस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। अगर एक डिग्री बराबर 4 मिनट तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, आपकी संख्या आ जाएंगी। 4 से गुणा कैसे करेंगे, इसे हम सरल बनाएंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 82 में तो 164 गुणे 4 तो नीचे है 2 से 2 तो हमारा आया यहाँ पे 330। अच्छा साहब, 330 में जो है हमें क्या करना है, घंटे में बदलना है। तो घंटे में बदलने के लिए हम 60 से इसमें भाग देते हैं। अब इसमें करेंगे तो हमारा 5.3 आएगा, और इस तरीके करेंगे मतलब 5.5 घंटा, चाहे इस तरीके लिखिए। अब चाहे 5.5 घंटा इस तरीके, और 5.5 घंटा क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि अपना भारत, हमारा भारत, आपका भारत, सबका भारत, अपना भारत ईस्ट मतलब पूर्वी में स्थित है, और सूर्य पूर्व से निकलता है, तो हम दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी में स्थित है, तो हमारा जो है ग्रीनविच जीएमटी से हमारा जो है आगे होगा समय सीमा। कहने का मतलब 5.5 घंटा आगे है समय जोन से भारत का समय। और कहीं कहीं ये जिक्र होता है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में पूर्वी से लेकर पश्चिमी के बीच में समय का अंतराल पूछता है, तो कहीं आपको 2 घंटे मिले, कहीं 2.5 घंटे, और क्यों अंतराल मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन हम लोग 1 ही टाइम जोन मानते हैं। इस पे यहाँ पे पूर्वी में 4 बजे सूर्योदय होता है और पश्चिमी में 6 बजे शुरू होता है, लगभग 2 घंटा का अंतराल होता है, इसलिए कहा जाता है। हम आपको बता दें ये चीज़ें, आपको मैथ थ्रू से बता दिए, आपके दिमाग में अगर आप नोट्स बॉक्स में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी पूछेगा नहीं मतलब भूलेगा नहीं कि आगे होगा कि पीछे होगा, ठीक है। अब इस क्लास को हम सोच रहे हैं यहीं ब्रेक लगा दें, क्योंकि अब जो आपको बताना है ये चीज़ और बता दें कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से जो है कौन कौन मतलब राज्य से गुजरती है, ये बता दे रहा हूँ। इसके बाद ये चीज़ें बताने के बाद तब कर्क रेखा जो है मैं कल बताऊंगा, लेकिन आप जान जाइए। यहीं मैं समाप्त कर दूँ इस क्लास को, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताएं, यहीं मैं समाप्त कर दे रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। इसके बाद मैं बताऊंगा 82.5 डिग्री किस किस राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है, और कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, मैं बताऊंगा।